कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश सरकार युद्ध स्तर पर ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाने पर जोर दे रही है और इसी के चलते अब टीकाकरण केंद्रों पर चुनाव के समय की जाने वाली तैयारी साफ देखी जा सकती है। जहां कोरोना संक्रमण मध्य प्रदेश के लिए अब चिंता का विषय है, आर्थिक राजधानी इंदौर में भी बढ़ते मरीजों की संख्या कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की नींद उड़ा रही है। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कोविड वैक्सीन को लेकर के आम जनता के बीच कैसे पहुंचे इसको लेकर के तैयारियां पूरी कर चुका है। ये रणनीति तय की गई है कि 140 एरियो को चिन्हित किया गया है जहां 139 कोविड के सेंटर के केंद्र बनाए जाएंगे। इस केंद्र में 20,000 लोगों का लक्ष्य तय किया गया है, मतलब रोजाना 20,000 लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का कार्य स्वास्थ्य विभाग जल्द ही करेगा। इंदौर जिले में इस समय वैक्सीनेशन के लिए 140 एरिया में 149 केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा 70 केंद्र और बढ़ाए जाएंगे ताकि कोरोना के टीकाकरण का काम और तेजी से हो सके। अब प्रशासन ने हर दिन 20,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य भी तय किया है और उसी के अनुरूप लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसको लेकर के पूरी तैयारियां शुरू कर दी गई है। हालांकि बता दें कि ये तैयारियां एक चुनावी प्रक्रिया के तहत जिस तरह की तैयारियां की जाती है उसी तरह वार्ड वार्ड में जाकर के अब वैक्सीनेशन लगाने का काम किया जाएगा, जहां 45 साल से ज़्यादा उम्र वाले और 60 साल के बुजुर्ग सीनियर सिटीजनों को ये वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू होगा, जिसके कारण संक्रमण रुकेगा और लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए जो वैक्सीन भारत सरकार द्वारा वैक्सीन को लाया गया है उस वैक्सीनेशन को लगाया जाएगा। कैमरा पर्सन टोनी के साथ भारत पाटिल, रेड टीवी न्यूज़ इंदौर। इतना ही नहीं, नगर निगम में जोन और वार्ड स्तर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी ग्राम पंचायतों में भी तैयारी की जा रही है। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए बीएलओ को भी नियुक्त किया जा रहा है, जिसमें लोगों को समझाया जा रहा है कि बढ़ते संक्रमण के कारण टीकाकरण अनिवार्य है। कोविड अधिकारी का कहना है कि बढ़ते संक्रमण के बीच कोशिश है कि हर दिन 20,000 लोगों को टीका लगाया जा सके, साथ ही अधिक से अधिक लोग अपने पास के केंद्रों में जाएं, ये अपील भी की जा रही है। ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कराने की टारगेट रखकर से चल रहे हैं और आज की कंडीशन में हमारे पास में जो टोटल हमारे जो वैक्सीनेशन साइट्स हैं और सभी साइट्स पे हमने फ्रंट लाइन वर्कर्स के अलावा हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के अलावा भी जहां पर 45 टू 60 और 60 प्लस के लोगों को वैक्सीनेट करा सकते हैं सभी साइट्स पे वैक्सीनेशन चालू है। इसमें नगर निगम का भी हमला लगा हुआ है, पंचायती राज का हमला लगा हुआ है, महिला बाल विकास भी लगा हुआ है, तो विभिन्न माध्यमों से हम सभी जो हमारे जितने भी विभाग हैं सारे विभाग अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से वैक्सीनेशन के टारगेट को ज्यादा से ज्यादा अचीव करने लगे। इंदौर शहर के सभी जोनों पर टीकाकरण के लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं ताकि समय पर सभी को वैक्सीन लगाई जा सके। प्रशासन का लक्ष्य 7 दिन में 5 लाख लोगों को टीके लगाने का है। इसके लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पैरामेडिकल स्टाफ की सहायता ली जा रही है। मैसेजेस हमारे सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स के माध्यम से भी जा रही है। जैसे कल भी हमने मीटिंग करी थी, नगर निगम का पूरा अमला फील्ड पे है। वार्ड वाइज भी हमारी बीएलओस की भी आज हम मीटिंग कर रहे हैं, जो बीएलओस के माध्यम से हम हर जो पोलिंग बूथ है पोलिंग बूथ वाइज 45 टू 60 ईयर्स के लोगों की लिस्ट और 60 प्लस लोगों की लिस्ट हमारे बीएलओस के माध्यम से उनके पास रहेगी और वो उसके उनकी उस लिस्ट के माध्यम से लोगों को मूवमेंट कराएंगे उनके पास के वैक्सीनेशन सेंटर पे। तो कहीं ना कहीं हमारा सारा जिला प्रशासन भी इस चीज़ पे लगा हुआ है और साथ ही मैं प्रमाण कहूँगा कि इंदौर ज़िले में सबसे ज़्यादा जागरूकता दिखाते हो, सबसे ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हुए, तो कहीं ना कहीं ये जागरूकता के कारण ही ये संभव हो पाए।